विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद जिम्मेदारीपूर्ण रहती है और ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है उस वक्त जब चुनाव बेहद सामने हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और समय सबसे प्रबल दावेदारों में जो नाम चल रहा है वो है बाला बच्चन जी का। बाला बच्चन जी, क्या हम आपको शुभकामनाएं दे दें? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जो मध्य प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पीसीसी में जो तय किया है, जो एक प्रस्ताव आया और सब ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, प्रस्ताव मेरे ही द्वारा रखा गया था, जैसे मुझे पार्टी ने बोला, आदरणीय मोहन प्रकाश जी ने, अरुण यादव जी ने और अजय माकन जी ने, कि मुझे प्रस्ताव रखना है, मैंने प्रस्ताव रखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव हम हाईकमान के ऊपर छोड़ते हैं, उनके ऊपर ये निर्णय छोड़ते हैं कि वो फैसला करें, तो सर्वानुमति से सब ने यस किया और सबके उस पर राय बनी और हाईकमान के ऊपर ये छोड़ा गया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हाईकमान का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक मैं समझता हूँ कि ये कहना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरी रेस में कई प्रबल दावेदार भी रहे हैं, अजय सिंह जी का नाम भी काफ़ी तेजी से चल रहा था, आपका नाम भी था, क्या लगता है कि अगर आपका नाम अनाउंस होता है तो कांग्रेस जो अभी तक फ्रैक्शन रिडन है, यानी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी काफ़ी प्रबल है, वो और बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सब ने उसमें, चाहे मेरा हो, अजय सिंह जी का हो, रामनिवास रावत जी का हो, या फिर मुकेश नायक जी का हो, कालू खेड़ा जी का हो, किसी का भी अगर होता है तो हम लोग सब, देखिए, हम सब मैच्योर्ड हैं और हम सब इन चीज़ों को जानते हैं और समय अभी बहुत कम बचा है, तो हम तो ये चाहेंगे कि हाईकमान का जो निर्णय होगा वो हम सब के लिए सर्वमान्य होगा और वो हमारे सदन का, कांग्रेस पार्टी का नेता होगा और मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे हम उठाएंगे और सरकार को, शिवराज सिंह को हम घेरेंगे, ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ कि वो है। बाला जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि जब भी मीडिया में कांग्रेस के नेताओं का नाम आता है तो आता है कोई कमलनाथ समर्थक है, कोई सिंधिया समर्थक है, कोई दिग्विजय समर्थक है, कोई कांग्रेस समर्थक क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, हम सब पहले सर्वपरि तो हम लोग सब कांग्रेस समर्थक ही है, कांग्रेस के ही हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, सब कांग्रेस के ही हैं। लेकिन कांग्रेस एक इतना बड़ा विशाल परिवार है, इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके अपने अपने नेता और ये सब होते हैं, तो उस हिसाब से चलते चलाते रहते हैं। कांग्रेस एक बड़ा परिवार, तो उस परिवार के रूप में इस तरह से जो जुड़े हुए रहते हैं, बाकी सर्वप्रथम तो है तो कांग्रेस ही। आदर्श कौन है, प्रेरक कौन है? नहीं, देखिए, हमारे आदर्श और प्रेरक तो कांग्रेस है। फिर भी कोई नेता जो आप, जिसे आप सीख मिलती होगी आपको? नहीं, हमारे सबसे संबंध है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी सचिव हूँ, महाराष्ट्र राज्य का मैं सहप्रभारी हूँ, मोहन प्रकाश जी के साथ मैं काम करता हूँ, तो राहुल गांधी जी ने ही मुझे बनाया है, तो मैं राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। और जहाँ तक बात आई है मध्य प्रदेश के हमारे जो नेशनल नेताओं की, तो आदरणीय कमलनाथ जी, सिंधिया जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, ये सब हमारे नेता है, ये सब हमारे मार्गदर्शक है हमारे, और समय समय पे हमको गाइड करते रहते हैं और मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो पहले सोनिया जी, राहुल गांधी जी, उसके बाद में फिर ये नेता जो हमारे प्रदेश के, जिनके मैंने जो नाम गिनवाए, जिसमें बाद में हमारे कांतिलाल भूरिया जी भी आते हैं। दिग्विजय सिंह ने आप पे आरोप लगाए थे कि आप कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है नरम रवैया अपना रहे हैं, आपने जो सिंहस्थ का मुद्दा था वो जोर शोर से नहीं उठाया। नहीं, हमने जितनी दमदारी से उठाया और सारी चीज़ें हमने उसमें सिद्ध कराई कि लगभग 1,500 करोड़ का भ्रष्टाचार सिंहस्थ में हुआ है, और इस सत्र में भी हम इस बात को रखने वाले हैं कि सिंहस्थ घोटाले में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और जितनी दमदारी से हमको उठाना चाहिए था हम लोग उठा रहे थे। वो कन्फ्यूजन एक वो जो त्यौहार आया था उसको लेकर हुआ था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी, बाकी हम लोगों ने दमदारी से उठाया और अभी भी उठाते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की मैंने बात की, निश्चित तौर पर आप इसको टोन डाउन जरूर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी चुनौती विद इन द पार्टी ज्यादा है बजाय बीजेपी से? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता भी ये चाहता है कि जो भी पहले हो गया हो, लेकिन अब तो सारे एकता के साथ और यूनिटी के साथ और यूनाइट होकर सब लड़ने के पक्षधर है, और किस तरह से हम मध्य प्रदेश की जनता की लड़े हम लड़े जो कि परेशान हो रही जनता, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, सर्वहारा वर्ग परेशान है, और कांग्रेस पार्टी कहीं अगर छोटी मोटी जो बातें अगर रही होगी तो वो समाप्त हो गई है, और सब पूरे समन्वय के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और ये जो नेशनल लीडर जो हमारे 4-5 जो है इनके नेतृत्व में हम दमदारी से शिवराज सिंह जी को घेरेंगे। लेकिन बच्चन साहब, कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के जो अंदर से सुगबुगाहट वो ये है कि बाला साहब को तो फायदा जो है वो आदिवासी बैकग्राउंड होने की वजह से मिला है, तो क्या आपकी काबिलियत पे कुछ शक किया जा रहा है?
नहीं ठीक है, ये तो अब कोई किसी का भी बोलने का कुछ भी बोला जा सकता है। मैं आप लोगों को आपसे ही जानना चाहता हूँ कि हाउस में मेरा हमारा परफॉर्मेंस आप देखते हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले जितने सेशन में हम लोगों ने दमदारी से सरकार को जो घेरा, आज इसीलिए सरकार में घबराहट है और मुख्यमंत्री जी को पचमढ़ी में और उनके मंत्रियों को और उनके कुछ नेताओं को बोलना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रश्न न लगाएं, ये मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेंडेंसी आश्वासनों के रूप में 6,000 थी, अब वो 2,000 बची है और अभी भी पूरी घबराहट है सारे अधिकारियों और बीजेपी इनमें। में तो घबराहट है, लेकिन कांग्रेस का एक पक्ष ये भी कहता है कि बड़वानी में जो मंच पर आपने सीएम शिवराज के सामने जो तकरार आपकी हुई वो सब स्क्रिप्टेड थी, प्लान था। नहीं, किस बात का प्लान? देखिए, मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि मुझे ऐसा ऐसा डाउट था कि हो सकता है कि शिवराज सिंह जी और उनके लोग ये सरकारी कार्यक्रम में मुझे बोलने नहीं दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन, जिसमें कि उसके अंतर्गत मैं भी आता हूँ जनजाति सम्मेलन, जनजाति वर्ग से, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहा कि आप इस सरकारी कार्यक्रम का भाजपाकरण क्यों कर रहे हो, मुझे बोलना आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, किस नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे रोका है। जैसे सीएम माइक पे पहुंचे, देखिए सबसे पहले उनने सांसद को बुलवाया जो भाजपा का है, उसके बाद उनने अंतर सिंह आर्य जी को बुलवाया, फिर फग्गन सिंह कुलस्ते जी को बुलवाया, तीनों भाजपा के। जब मुझे बोलना था तो वहाँ उनने मुख्यमंत्री जी को बुलवा लिया। तो जैसे ही सीएम साहब पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, मैं जो आपने क्यों नहीं बोलने दिया और इस सरकारी कार्यक्रम का आप राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, भाजपाकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास मुद्दे इतने थे, सीएम जानते थे कि अगर बाला बोलेगा तो मेरी सबकी और इस कार्यक्रम की वाट लग जाएगी, जैसा जो भी उनका ध्यान रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने मुद्दे थे और 8 दिन पहले से मैंने बोल दिया था कि अगर सीएम साहब नहीं बोलने देंगे तो मैं तो मेरे अधिकार का उपयोग करूंगा। और जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आप सीएम होने के नाते नंबर 1 पर्सन हो मध्य प्रदेश के, तो ऐसे ही मैं एक्टिंग लीडर अपोजिशन ही सही, लेकिन मैं भी, मेरी भी सेकंड नंबर की पोजिशन है, तो आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे बिल्कुल हैं बच्चन साहब। लेकिन आपको नहीं लगता इस बार का जो बजट सत्र है उस दौरान कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा ये रहेगी कि आपके जो नेतृत्व में सब लोग क्या एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मुखर हो पाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा हर एक विधायक जूनियर सीनियर सब पूरी तरह से तैयार है और सबके पास खूब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी के पास खूब मुद्दे हैं, जज्बा है, और सब जिसका भी नाम फाइनल होगा उनके नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे और इस बेनकाब सरकार को और मुख्यमंत्री जी को हम घेरेंगे। और बहुत सारे मुद्दे, अगर आप मुद्दों पे बात करना चाहते हैं तो मैं वो मुद्दे भी आपको बताना जी चाहता बिल्कुल। हूँ। अगर एक बार इट कुड बी अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन राइट नाउ, बट ये आपसे जरूर पूछा जाएगा बच्चन साहब, कि अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपकी औपचारिक घोषणा हो जाती है, आपके नाम की औपचारिक घोषणा हो जाती है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी नेता प्रतिपक्ष का जो दावेदार होता है वो उसको बहुत ही प्रबल माना जाता है, क्या अब निगाहें सीएम की कुर्सी पर रहेगी आपकी? नहीं, देखिए अभी तो हम लोगों को अभी जो दायित्व जो मिला है हम उसको तो ठीक ढंग से करें, और अभी तो हमारा केवल वहाँ तक के लिए ध्यान है, और उसके बाद वो तो 18 में और जो मेजोरिटी आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तो कांग्रेस पार्टी में तो विधायकों की राय प्लस हाईकमान का निर्णय मान्य होता है, तो बात का मैटर है। मैं समझता हूँ कि अभी तो हम अभी 18 के पहले तक की हम लोग बात करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। दिग्विजय सिंह को आपका संदेश जी? दिग्विजय सिंह जी को आपका संदेश? नहीं, देखो हमारे वो बड़े लीडर हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैंने 10ों साल उनके साथ, 5 साल मैंने विधायक के रूप में काम किया, और उसके बाद फिर मैंने 5 साल तक मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई ऐसी कोई बात आई है तो उनने हमको पूरा सपोर्ट किया है और अभी भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पार्टी के बड़े लीडर है और वो हमारे मार्गदर्शक है, जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी हैं, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय पचौरी जी हैं, वैसे दिग्विजय सिंह जी भी है, तो हम तो ये चाहेंगे कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता रहे और पार्टी को ताकत और मजबूती मिलती रहे, जिससे कि हम शिवराज सिंह जी को घेरते रहें और मध्य प्रदेश की जनता के जो मुद्दे जो है उसको हाउस में दमदारी से उठाते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाल बच्चन साहब, इंडिया फर्स्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि एक औपचारिक घोषणा से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू इंडिया फर्स्ट के साथ बाल बच्चन साहब का हुआ। निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती यहाँ पर उनको कंधों पर मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विद इन द पार्टी है कि किस तरह से सभी गुट को एकजुट किया जाए और सरकार के खिलाफ यहाँ पर मुखर हुआ जाए। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।